हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉन एपेटिट। आज हम एक बहुत टेस्टी स्नैक्स बनाने वाले हैं, पनीर पकौड़ा। सो सबसे पहले हम उसके लिए पनीर को मैरिनेट करेंगे। ये पनीर के मैंने पीसेस किए हुए हैं थोड़े। ये हमने नमक डाला है, ये मैंने चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है, गरम मसाला, मिंट लीव्स, ड्राइड मिंट, जीरा पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली। ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अब हम बैटर बनाएंगे। बैटर का प्रिपरेशन 5-10 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे। अब हम बैटर बनाएंगे पकौड़े के लिए। और पकौड़े के लिए मैंने अबाउट 1 कप बेसन लिया है बैटर बनाने के लिए। सी 1 कप बेसन मैंने लिया है। 1 स्पून मैं इसके अंदर राइस फ्लावर ऐड कर रही हूँ। राइस फ्लावर से बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आता है। 1 स्पून मैंने राइस फ्लावर ऐड किया है। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ, 1 स्पून सोयाबीन फ्लावर आई एम एडिंग इन टू इट। ठीक है, थोड़ा हमने 2 टीस्पून हम सौंफ डाल रहे हैं एंड 1 टीस्पून इसमें मैं अजवाइन पाउडर डाल रहे हैं। चिली, ग्रीन चिली मैंने कट करके रखी हुई है, या आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग यू कैन यूज दिस चिली। सॉल्ट टू टेस्ट हम ऐड करेंगे इसमें। 2 टीस्पून अराउंड मैंने सॉल्ट ऐड किया है। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। नाउ आई एम एडिंग वाटर इन टू दिस डो। सी दिस इज मिक्स्ड प्रॉपरली। अब हम पानी डाल के, पानी थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे और एक स्मूथ डो रेडी कर लेंगे। सी अभी बैटर इज रेडी, कंसिस्टेंसी आप देखिए। अब इसमें हम थोड़ा चिली पाउडर ऐड करेंगे। मैंने तब तक गैस ऑन कर दिया है। गैस कढ़ाई में कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून के अराउंड, 1 टीस्पून के अबाउट मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून अराउंड चाट मसाला इसमें भी ऐड कर दे रही हूँ मैं। आई थिंक नाउ बैटर इज रेडी। सी कैन यू सी द कंसिस्टेंसी। नाउ हमारे पनीर पीसेस भी मैरिनेट हो चुके हैं अच्छे तरह। अब हम इनको बैटर में डिप करके इनको डाल देंगे तेल में। आई थिंक तेल पहले हम टेस्ट कर लेते हैं हमारा ऑयल रेडी है कि नहीं। थोड़ा सा मैं बैटर इसमें डाल के देख रही हूँ। या इट इज़ रेडी नाउ। एक एक पीस डाल के हम लोग बैटर में डिप करके इसी तरह से हमने सारे अपने पनीर के पीसेस बैटर में डिप करके डाल दिए हैं। फ्लेम मीडियम रखा हुआ है मैंने। इनको टर्न कीजिए। आप चाहें तो इनको रोस्ट भी कर सकते हैं नॉनस्टिक पैन या तवा लेके। मैं इधर फ्राई करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें रोस्ट भी कर सकते हैं। हल्का गोल्डन कलर आने तक इनको थोड़ा फ्राई करेंगे हम। अभी मैं इसको फ्राई करते 4-5 मिनट्स हो गए हैं। आई थिंक गोल्डन कलर भी आ गया है इनमें। अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ, इनको निकाल रही हूँ। अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इनमें। 4 से 5 मिनट हमको लगे इनको डीप फ्राई करने के लिए। दे आर रेडी नाउ। देखिए कितने क्रिस्पी और डिलीशियस लग रहे हैं हमारे पनीर पकौड़े। थोड़ा सा हम इनको गार्निश कर देते हैं धनिया से। थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। नाउ दे आर रेडी टू ईट। आई होप यू लाइक द रेसिपी।
प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बॉन एपिटीट.